गुड मॉर्निंग इंडिया, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के साथ द हिंद में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी खबरें। मोदी सरकार की तरफ से आ रही है बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। क्या है पूरा स्कीम, कैसे उठाए लाभ, जानेंगे आगे। बिहार से भी आ रही है बड़ी खुशखबरी, बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार के हर एक व्यक्ति को पूरे महीने के राशन के साथ कितने हजार रुपए देने का फैसला किया है, जानेंगे खबरें विस्तार में। सरकार की तरफ से आ रही है किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार किसान भाइयों को देने जा रही है 518 करोड़। किन किसान भाइयों को मिलेगा फायदा, कैसे उठाए लाभ, बताएंगे आपको खबरें विस्तार में। और भी है धांसू खबर, खबरें को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों खबरें विस्तार से जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि सच्चे देशभक्त हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। बढ़ते हैं खबरें विस्तार में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंगलवार आधी रात से पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार को ₹1,000 देने का फैसला किया है। DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हर खाते में सहायता राशि पहुंचाई जाएगी, साथ ही सभी लोगों को एक महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन धारकों को अगले 3 महीने का पेंशन एक साथ दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा CM ने आश्वस्त दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति 31 मार्च तक उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। नीतीश जी ने कहा है कि किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। CM ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की भी अपील की। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 60 लाख गरीब परिवार को मुफ्त में खाद्य सामग्री मुहैया करवाएगी गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से उचित दर की दुकानों के जरिए लगभग 60 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त में गेहूँ, चावल, दाल और चीनी जैसी खाद्य सामग्री मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को ये जानकारी दी। रूपाणी ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, गुजरात सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि 60 लाख राशन कार्ड धारी गरीब परिवारों यानी कि 3.25 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाने का सामान मुहैया करवाया जाए। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के हर एक व्यक्ति को 3.5 किलो गेहूं, 1.5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल, चीनी और नमक दिया जाना शामिल है। ₹475 में मिलेगा भरपूर सामान, ज्यादा पैसे लेने पर होगी FIR। जी हाँ, खबर UP से है। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने जरूरी सामान की होम डिलीवरी की इंतजाम कर दिए हैं और इन सामानों की कीमत भी तय कर दी है। इससे ज्यादा कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, जिला प्रशासन ने सामान की होम डिलीवरी के लिए कुछ दुकानदारों को चुना है और 24 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक उन्हें ही जरूरत के मुताबिक लोगों के घर तक ये सामान पहुंचाने होंगे। जी हाँ, प्रशासन ने 10 जरूरी सामान के रेट और मात्रा तय कर दी है और ₹17 डिलीवरी चार्ज को जोड़कर पैकेट की कुल कीमत ₹775 तय कर दी है। दोस्तों अगर आप भी अयोध्या के निवासी हैं, इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे ज्यादा कीमत वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के मद्देनजर बिहार सरकार ने 518.42 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित किसानों के खाते में सीधी राशि पहुँचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मार्च माह में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में ही प्रभावित किसानों को फसल नुकसान के भुगतान के लिए 518.42 करोड़ रुपए देने का घोषणा की है। कृषि विभाग के अनुसार मार्च माह में हुई असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से 3,84,16 हेक्टेयर क्षेत्र में 33% से अधिक फसल की क्षति हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस लॉकडाउन के दौरान कई राहतों की घोषणा की है। इसके साथ ही अब श्रम मंत्रालय मजदूरों को समय पर और पूरा भुगतान मिले इसमें जुट चुका है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना होगा। बता दें कि श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी मजदूरों को आगामी 1 अप्रैल तक पूरा भुगतान सुनिश्चित करवाएं। श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और श्रम मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सभी मजदूरों के भुगतान में ना तो कोई कमी किया जाए और ना ही देरी करें। श्रम मंत्रालय ने EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के तहत 65 लाख पेंशनरों को समय पर पूरा पेंशन मुहैया करवाने के लिए कहा है। इसके अलावा मजदूरों को DBT यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए उनकी मजदूरी का भुगतान करने के साथ लेबर वेलफेयर बोर्ड के फंड से उनको धन मुहैया करवाने को कहा गया है। मालूम हो कि इस फंड में लगभग 52,000 करोड़ रुपए जमा है और इसके तहत पंजीकृत मजदूरों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा 2 रुपए प्रति किलो गेहूं, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 3 महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि PM मोदी के लॉकडाउन के फैसले को पूरा देश स्वागत कर रहा है। दोस्तों, हमें पता है कि करोड़ों किसान और गरीब परिवार लॉकडाउन के बीच काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये भी कि सरकार से दिए जाने वाले राशन काफी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सबको भी धैर्य रखना होगा। जो बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कह चुके हैं कि हम सब मिलकर इस मुश्किल की घड़ी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें, Instagram पर भी अब हम हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें, या फिर Twitter पर भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। नमस्कार।